नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं विनी टीवी भारत। कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के निर्देश पर अवैध शस्त्र व अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अमरापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री के संचालन का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के गांव बरसोड़ा में खेत में चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी कर फैक्ट्री से 10 तमंचे, 315 बोर उपकरण और शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया है कि बरसोड़ा में अलवर सिंह के खेत में अवैध शस्त्र फैक्ट्री के संचालन की जानकारी पुलिस को मिली थी, उस पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या पूरा मामला? देखिए, मेरे द्वारा लगातार 30 से 35 दिनों से अवैध शराब और अवैध असलाओं के ऊपर लगातार हम लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। टीमों का गठन करके पहले भी अवैध शराब और अवैध शस्त्र की फैक्ट्रीज बरामद हुई है और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है। कल अमापुर थाने में इंस्पेक्टर अमापुर और अन्य लोगों के द्वारा एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें 10 अवैध तमंचे, कुछ कारतूस और सामान जो है तमंचे बनाने वाला वहां पे बरामद हुआ है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इसमें रखी है। अन्य इसमें जो भी व्यक्ति है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन का रहेगा वो इन लोगों ने किन किन लोगों को असला सप्लाई किया है, कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, उनकी भी हमारे द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी बाद में पंजीकृत किया जाएगा। कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां तो नहीं चल रही लोग? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है अवैध शस्त्र की फैक्ट्रीज को पकड़ना, वो मेरे द्वारा किया जाएगा। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।